अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की जो है बुक 2 है, और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। तो पहले हम इसके स्टेटमेंट को रीड करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पार्ट्स को यहाँ पर हम आंसर करेंगे, जो आपको सामने स्क्रीन पर लिखे हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एन ऑनलाइन रिटेलर चार्जेस अ बेसिक सर्विस फी ऑफ $3 फॉर एनी परचेजेस मेड। तो आपको कहा जा रहा है कि एक ऑनलाइन रिटेलर है। ऑनलाइन रिटेलर को आप इस तरह समझ लें, एक ऐसा पर्सन है जो कि ऑनलाइन अपनी चीजों को सेल करता है, बेचता है। तो वो जो ऑनलाइन रिटेलर है, वो बेसिक सर्विस फी के तौर पर $3 चार्ज करता है अगर उससे कोई भी परचेज की जाए, उससे कोई भी चीज खरीदी जाए। यानी आपको यहाँ पर यह बात क्लियर हो गई कि अगर आप इस ऑनलाइन रिटेलर से कोई भी चीज खरीदेंगे तो आपको $3 तो देने ही देने हैं सर्विस फी के तौर पे। अब आगे आप देखें, फर्स्ट पार्ट को रीड करें, तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है, अ फी ऑफ $2 पर केजी, पर केजी मतलब पर किलोग्राम, इज चार्ज फॉर द डिलीवरी ऑफ पैकेजेस। तो जो चीज आप इस ऑनलाइन रिटेलर से खरीदेंगे, जिसको पैकेज कहा जा रहा है, उसकी डिलीवरी के लिए भी, आप तक पहुंचाने के लिए भी आपको $2 पर किलोग्राम भी फी के तौर पे करने पड़ेंगे। यानी $3 तो आपने सर्विस फी के तौर पे करने हैं इस रिटेलर को, और आपने जो पैकेज इस पर्सन से खरीदा होगा, इस ऑनलाइन रिटेलर से खरीदा होगा, उसका जो भी वेट होगा इन किलोग्राम्स, उसका भी उन्होंने रेट डिसाइड किया हुआ है कि आपको $2 देने पड़ेंगे पर किलोग्राम, एक किलोग्राम पर। यानी अगर आपने जो पैकेज खरीदा है उसका वेट एक किलोग्राम बनता है, तो $2 आपको फी के तौर पे ये भी देने पड़ेंगे। तो यहां पर दो चीजें क्लियर हो गई कि सर्विस फी भी देनी है जो कि फिक्स है $3, और ये फी भी देनी है जो वेट के मुताबिक है। यहाँ पे रेट बता दिया कि $2 पर केजी, आप खुद देखेंगे आपका जो पैकेज है वो कितने किलोग्राम्स है, फिर इस रेट के मुताबिक आप ये देखेंगे कि आपकी फी कितनी बनेगी। आगे लिखा हुआ है, फाइंड द अमाउंट अ कस्टमर विल हैव टू पे इफ द पैकेज वेज। अब वो कह रहे हैं कि बताएं कितनी अमाउंट किसी कस्टमर को देना पड़ेगी अगर उसने जो पैकेज इस ऑनलाइन रिटेलर से खरीदा है उसके वेट ये हों, जो कि ए पार्ट में, बी पार्ट में और सी पार्ट में अलग अलग बताए गए हैं। यानी ए पार्ट में बताया गया कि आपने बताना है कि अगर इस पर्सन ने जो पैकेज खरीदा है उसका वेट 0.5 किलोग्राम्स है, तब इसको कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी। अगर इसने जो पैकेज खरीदा है, बी पार्ट में ये कहा जा रहा है उसका वेट 4 किलोग्राम है, तब कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी। और सी पार्ट में ये कहा जा रहा है कि अगर इस पर्सन ने, इस कस्टमर ने कोई ऑनलाइन रिटेलर से पैकेज खरीदा है और उसका वेट 9 किलोग्राम बनता है, तो तब इसको टोटल अमाउंट कितनी पे करना पड़ेगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ये फर्स्ट पार्ट करने लगे, और फर्स्ट पार्ट में भी हम सबसे पहले इसका ए वाला पार्ट करने लगे। ए वाला पार्ट का मतलब, जब इस कस्टमर ने ऐसा पैकेज खरीदा जिसका वेट 0.5 किलोग्राम है, तो हम ये बताएंगे कि इस पर्सन को टोटल अमाउंट कितनी देना पड़ेगी। तो हम यहां पर हेडिंग पहले लिखेंगे यहां पे, कि आपको यहां पे हेडिंग डालनी है, अमाउंट अ कस्टमर हैव टू पे फॉर इट्स पैकेजेस। ठीक है, ओके। ये आप कोई भी, किसी भी तरीके से इसको डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे निकालेंगे। अब देखिए, आपको ऊपर स्टेटमेंट में और इस फर्स्ट वाले पार्ट में दो चीजें बताई हैं। एक तो है सर्विस फी, कि सर्विस फी तो देनी देनी, आप चाहे जैसे भी मर्जी वेट का परचेज कर लें, जैसे भी मर्जी वेट का पैकेज इस ऑनलाइन रिटेलर से खरीद लें, सर्विस फी तो देनी देनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें कि भाई $3, यानी $3 तो आपको पे करने ही करने हैं। अब इसमें ऐड करें, क्या ऐड करें, ये वाली फी भी जो वेट के लिहाज से उन्होंने बताई है कि $2 आपको देने पड़ेंगे एक किलोग्राम के ऊपर। यानी अगर आपके पैकेज का वेट 1 किलोग्राम है तो $2 देने पड़ेंगे। तो ए पार्ट में आपको वेट कितना दिया गया है, 0.5 किलोग्राम। तो अगर किसी पैकेज का वेट 0.5 किलोग्राम है तो उसको कितने देने पड़ेंगे। जाहिर बात है, अगर 1 किलोग्राम पे फी चार्ज होती है $2, तो 0.5 किलोग्राम पे कितनी होगी, 2 को और 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखेंगे इसमें, क्या इसमें प्लस करेंगे किस चीज को मल्टीप्लाई कराने के बाद,
टू को डॉलर को मल्टीप्लाई करवाने के बाद किससे, 0.5 किलोग्राम से। तो जब आप 0.5 किलोग्राम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाली फी भी पता चल जाएगी जो वेट के लिहाज से ये ऑनलाइन रिटेलर चार्ज कर रहा है। तो ये वाली फी और सर्विस फी मिलाकर ही जो टोटल फी आएगी वही आपकी फाइनल फी होगी। तो अब मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे डॉलर 3 तो वैसे का वैसे ही जो कि सर्विस फी थी, यहाँ पे आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 0.5 को अगर आप डेसिमल खत्म कर लें तो आपको पता है डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे जस्ट 5 बच जाएगा, डेसिमल के आगे एक डिजिट है तो आप नीचे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। अगर डेसिमल के बाद दो डिजिट्स होते तो आप डेसिमल हटाने के बाद नीचे 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 टाइम्स 5 5 2 टाइम्स 10, और ये वाला 2 और ये वाला 2 आपके पास हो जाएगा कैंसिल इस तरीके से। तो यहाँ पे जस्ट बच जाएगा $3 प्लस ये 2 भी कैंसिल हो चुका है, ये 2 भी कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पे सिर्फ 1 बचा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे जस्ट $1 बचा हुआ है एक तरह का। तो आप लिखेंगे $1, और $3 प्लस $1 कितना हो जाएगा $4। तो इससे आपको ये बात क्लियर हो गई कि अगर इस कस्टमर ने ऐसा पैकेज खरीदा जिसका वेट 0.5 किलोग्राम होगा तो सर्विस फी और ये वाली पर किलोग्राम के लिहाज से फी डालकर टोटल इसको अमाउंट $4 पे करना होगी। तो ये हमारा हो गया इसके ए पार्ट का आंसर। अब इसी पैटर्न पे इसका बी पार्ट है, तो बी पार्ट में देखें कितना वेट लिखा हुआ है इस पैकेज का। अगर कस्टमर 4 किलोग्राम वाला पैकेज बाय करता है, परचेस करता है, तो तब इसको कितनी अमाउंट जो है पे करना होगी। तो सेम हम हेडिंग यहां पे बनाएंगे, इसका बी पार्ट है, तो हम दोबारा से लिखेंगे अमाउंट कस्टमर हैव टू पे फॉर इट्स पैकेज, तो उसके पैकेज के लिए, ठीक है। तो सेम जिस तरह ऊपर समझाया वैसी वही चीजें। तो देखिए $3 तो आपको देने ही देने सर्विस फी के तौर पे, तो आप यहां पे $3 तो लिख लें और इसमें ऐड कर लें। क्या ऐड करना है कि वेट के लिहाज से जो फी बनती है वो भी ऐड करनी है। अगर 1 किलोग्राम पे $2 देने पड़ते हैं तो 4 किलोग्राम पे कितने देने पड़ेंगे, जाहिर बात है 2 को और 4 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे कि 1 किलोग्राम पर $2 चार्ज होते हैं तो 4 पे कितने होंगे, जाहिर बात है $2 को 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे इस तरह लिख देंगे इसको, क्योंकि 4 किलोग्राम वेट है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा $3 प्लस 2 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8, एक तरह का $8 आप कह लें। तो यहां पर अब आपके पास $8 है, यहां पर 3 है, $8 प्लस $3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टोटल $11। यानी कस्टमर को $11 देने पड़ेंगे सर्विस फी और वेट वाली फी मिलाकर अगर उसने ऐसा पैकेज बाय किया जिसका वेट 4 किलोग्राम होगा। ये हो गया बी पार्ट। अब सी पार्ट भी ऐसे ही कर लेते हैं, इसमें आपको वेट दिया हुआ है 9 किलोग्राम। तो अब हम यहाँ पे सी पार्ट लिखते हैं, हेडिंग आप खुद से भी बना सकते हैं, जो ऊपर लिखी हुई है मैं वही बार बार लिख रहा हूं कि अमाउंट कस्टमर have to pay for its package, अपने पैकेज के लिए, ठीक है। आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगेन $3 तो चार्ज होने ही होने हैं, सर्विस फी है, और इस बार जो कस्टमर ने पैकेज खरीदा उसका वेट कितना है, 9 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम पे चार्ज होते हैं $2, तो 9 पे कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 9। तो आप यहाँ पे लेंगे 9 पे होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 9, और ये भी आसान है आपके लिए। यहाँ पे $3 वैसे का वैसे ही, 2 टाइम्स 9 कितना होता है, वो होता है 18। तो ये एक तरह का हो जाएंगे $18। अब $18 प्लस $3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे $21। तो इसका मतलब कस्टमर को $21 पे करने पड़ेंगे अगर वो ऐसा पैकेज खरीदता है जिसका वेट जो है वो 9 किलोग्राम हो और सर्विस फी और फी मिलाकर उसको फिर टोटल $21 देने पड़ेंगे। तो आप देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट यहाँ पर कर लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, पार्ट नंबर 2 को, यानी इसको देखते हैं। तो मैं सारे को रिमूव कर लेता हूं, फिर हम पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। तो मैंने भी नीचे से चीजें रिमूव नहीं करी, और वो इस वजह से रिमूव नहीं करी ताकि आपको टेबल और बेहतर अंदाज में समझा पाऊं, इसलिए मैंने कहा इसको भी मैं रिमूव नहीं करता। तो आइए पहले पार्ट नंबर 2 पढ़ते हैं, उनका ताल्लुक इस पार्ट नंबर 1 के इन तमाम पार्ट से है। तो यहां पर लिखा हुआ है, गिवन दैट डॉलर वाई रिप्रेजेंट्स द अमाउंट अ कस्टमर पेस फॉर अ पैकेज। अब वो आपको यहां पर वेरिएबल्स बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप ये चीज मान लें कि ये जो वाई डॉलर है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा उस कीमत को, उस अमाउंट को जो कि किसी कस्टमर को पे करनी पड़ेगी अपने पैकेज के लिए। यानी कोई भी कस्टमर कोई भी पैकेज खरीदेगा तो जो अमाउंट उसको देनी पड़ेगी उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया है, डॉलर वाई, यानी वाई डॉलर आप पढ़ लें, ठीक है। और आगे उन्होंने ये भी बताया कि उस पैकेज के लिहाज से ये अमाउंट हम आपको बता रहे हैं जिसका वेट जो होगा ना वो इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा, यानी वेट का नाम रख दिया एक्स, और वो किसमें, किलोग्राम में। यानी जो कस्टमर कोई पैकेज बाय कर रहा है उसके टोटल अमाउंट को वाई के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो उसके पैकेज का वेट है उसको एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो यहां पर दोनों आपको दो वेरिएबल्स बता दिए कि वाई का मतलब होगा टोटल अमाउंट और एक्स का मतलब होगा उस पैकेज का वेट। अब वो कह रहे हैं इस चीज को सोचते हुए आप कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, आपने इस नीचे दिए गए टेबल को कंप्लीट करना है। अब यहां पर देखिए ऊपर उन्होंने एक्स लिखा हुआ है और एक्स से क्या मुराद लेनी है, उन्होंने खुद ही बता दिया, इससे मुराद लेनी है आपने एक तरह की वेट, यानी उसके पैकेज का वेट कितना है, ठीक है, वजन कितना है, और वाई से क्या मुराद लेनी है, उसकी टोटल अमाउंट जो कि उसको पे करनी पड़ेगी जब वो कुछ वेट वाला पैकेज जो है इस ऑनलाइन रिटेलर से खरीदेगा। तो देखिए ये सारी चीजें हम निकाल तो चुके हैं, हमने ये चीज ऊपर ए पार्ट में बताई है कि अगर कस्टमर 0.5 किलोग्राम के वेट वाला पैकेज खरीदेगा तो उसको टोटल कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी, $4 देनी पड़ेगी। तो यहां पर भी ये ऊपर यही आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कस्टमर एक ऐसा पैकेज खरीद रहा है जिसका वेट 0.5 किलोग्राम है तो उसकी अमाउंट कितनी बनेगी, वाई का मतलब उसकी अमाउंट कितनी बनेगी, तो वो तो हम बता चुके हैं वो कितनी बनेगी, वो बनेगी $4। तो आप यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 4, इसको आप डॉलर्स में लिख लें तो भी ठीक है, वैसे तो खुद ही उन्होंने ऊपर बता दिया कि डॉलर्स में है तो भी ठीक है। आप देखिए आगे उन्होंने कहा हुआ है कि अगर ये जो कस्टमर है इसने कोई ऐसा पैकेज खरीदा है जिसका वेट 4 किलोग्राम है, तो ये आप बी पार्ट में बता चुके हैं उसकी टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी, ये आपने निकाली भी है $11। तो आप यहां पे लिखेंगे कि उसको तो $11 पे करने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर इस कस्टमर ने 9 किलोग्राम वाला कोई पैकेज परचेज किया है तो इसको टोटल अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी, ये आप सी पार्ट में बता चुके हैं, तो आप सी पार्ट में यहां पर देखें कितनी टोटल अमाउंट है $21। तो आप पे लिखेंगे 21। तो इसका मतलब ये तो आपके सारे y की वैल्यूज हो गई क्योंकि y को ही आप टोटल अमाउंट कह रहे थे। अब यहां पर सिर्फ ये बात बताने का मकसद ये है कि आप इससे इक्वेशन बना पाएं क्योंकि उन्होंने आपको वेरिएबल्स बताए हैं, तो आप यहां से एक इक्वेशन भी अभी बना लें। और वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे मैं इसके पैरेलली आपको यहां पे बता रहा हूं, इसके पैरेलली, ये ठीक है, याद रखिएगा ये इसके पार्ट नंबर 2 का हिस्सा है, इसके पैरेलली इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब आप देखें ये पूरी की पूरी चीज, ये $3 में ऐड करें सारी की सारी चीज आपको तो क्या बताती है, ये आपको बताती है अमाउंट, टोटल अमाउंट, और आपको इसी पार्ट नंबर 2 में कहा है कि टोटल अमाउंट को आपने वाई डॉलर से रिप्रेजेंट करना है। तो मैं कह लेता हूं कि ये इस सारी चीजों को ऐड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, वाई डॉलर, तो मैं वो यहां पर लिख देता हूं आपको जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। आगे इक्वल टू डालता हूं और इक्वल टू में यही सारी चीजें लिखता हूं जो यहां पर मैंशन है। $3 तो सब में आ रहा है ना, आप ए पार्ट में भी देखें $3 लिखा हुआ है, बी पार्ट में भी देखें $3 लिखा हुआ है, सी पार्ट में भी देखें $3 लिखा हुआ है, इसका मतलब $3 तो फिक्स है, ये तो एक तरह का कांस्टेंट है। तो आप यहां पे कह दें कि भाई $3 तो फिक्स है, तो यहां पे आप लिख दें प्लस $3, यानी ये तो आपने एक तरह की अमाउंट देनी ही देनी है, ये तो फिक्स है, तो सब में आई रही है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है आपके पास यहां पर ये वाली वैल्यूज, देखिए यहां पर 0.5 है, बी पार्ट में देखें यहां पर 4 हो गया, सी पार्ट में आप देखें यहां पर 9 हो गया। तो $2 तो सब में सेम रहा, यहां पे भी $2 सेम रहा, यहां पे भी $2 सेम रहा और ऊपर भी $2 सेम रहा। तो इससे एक बात पता चली कि 2 तो आना ही आना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई 2 तो आना ही आना है यहां पे। अब इसके आगे जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, यानी 3 भी फिक्स 2 भी फिक्स, जो चीजें फिक्स है उनको वैसे लिख लिया। अब जो चीज चेंज हो रही है वो क्या है, वो है वेट, और वेट को किससे आपने कंसीडर किया हुआ, ऊपर वेट का नाम आपने दिया हुआ एक्स, कभी x 0.5 है, कभी x 4 है, कभी x 9 है, तो ये चेंज हो रहा है। तो आप लिखेंगे कि इधर 2 के आगे क्या लगा देंगे, x, क्योंकि देखिए ना आप हमेशा 2 को तो x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप यहां पे भी 2 को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेट से, इधर भी 2 को आप x से यानी 4 किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे वाली इक्वेशन में भी आप 2 को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने इस इक्वेशन को इस तरह बेहतर अंदाज में लिख लिया कि ये बनेगी डॉलर वाइज इक्वल टू डॉलर 2x प्लस 3, और इसी को आप समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते थे खाली जो समझाने के लिए, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका मतलब भी यही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि आप पहले 3 लिख लेते, ये मैंने 3 लिख लिया प्लस का साइन, फिर ये वाला 2 लिख लेते जो सब में आ रहा है, और आगे वेट चेंज होते रहते हैं, वो वेरिएबल है, तो उसको मैं कह देता x, इस तरह भी ठीक है। तो ये तीनों का मतलब ये है कि आपको एक तरह की इक्वेशन उन्होंने बता दी। अब इस इक्वेशन की मदद से भी आप ये सारी वैल्यूज निकाल सकते थे। अब देखिए मैं ये वाली इक्वेशन यहां पर जो है दोबारा से लिखता हूं, ये पार्ट नंबर 2 का हिस्सा है कि अगर मैं ये इक्वेशन जो ऊपर आपको बना के दिखाई है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये वाली मैंने इक्वेशन बनाई है जिसमें y किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल अमाउंट को, x इसको रिप्रेजेंट करता है वेट को, ठीक है। ये y रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी टोटल अमाउंट को जो कि डॉलर्स में है, ऊपर बताया जा चुके हैं अमाउंट डॉलर्स में, और ये x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वेट को जो कि किसमें है, किलोग्राम्स में। अब आप देखें जरा टेबल कंप्लीट कर सकते हैं आप इस इक्वेशन की मदद से, तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है 0.5, आप जस्ट इस इक्वेशन में वेट की जगह पर 0.5 पुट कर दें, एक्स वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 0.5, आगे प्लस 3 वैसे ही और वाई तो वैसे का वैसे ही, तो टोटल अमाउंट है। अब आप सॉल्व करें, अब आप यहां पर सॉल्व किस तरह करेंगे, आप जो है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से आपके पास आ जाएगा 1,
यानी यहाँ पे आ जाएगा वन और आगे प्लस थ्री वैसे का वैसे ही, तो वन प्लस थ्री कितना होता है, वो होता है फोर, तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी फोर। फोर का मतलब $4, यानी बेसिकली $4, क्योंकि वाई इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स हैं। तो ये आप देखें ऊपर भी क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पर $4 ही आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास वेट फोर होता, अब क्या होगा, आप इसी सेम इक्वेशन को लिख सकते हैं यहाँ पर, वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, दोबारा से इक्वेशन लिखी और अब इसमें एक्स की जगह पे उन्होंने क्या कर देना है, वेट फोर है तो यहाँ पे लिख दें फोर प्लस थ्री वैसे का वैसे ही। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर टू टाइम्स कितना होता है आपके पास, वो होगा आपके पास एट, यहाँ पर सॉरी मैं इसको लिख लूँ, फोर टू टाइम्स हो जाएगा आपके पास एट, आगे प्लस थ्री, तो एट प्लस थ्री कितना होता है इलेवन, यानी $11। ठीक है, तो देखें यहाँ पे भी मैंने पहले से आपको $11 लिख के दिखाया हुआ है। आखिरी में आप देखें x कितना है 9, आप इसी सेम इक्वेशन में जो है लिखें y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, और इसमें आप x की जगह पर अब 9 पुट कर दें, तो यहाँ पे देखें मैंने 9 पुट कर दिया, इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू नाइन टाइम्स होता है 18, और 18 प्लस 3 आपके पास कितना बनता है, वो बनता है 21, तो ये आता है $21, यानी 21 का मतलब है $21। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे क्या है टेबल में 21, तो ये आपको टेबल इसलिए यहाँ पर इसलिए दिया गया है ताकि आप इन चीजों को समझें कि ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख लें ज्यादा बेहतर है, इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमने इन चीजों को लेकर चलना है। अब आप ये तीनों इक्वेशन अपने पास नोट कर लें, क्योंकि अगले पार्ट में हमने ग्राफ बनाना है, तो मुझे इन इक्वेशन की और इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो आप ये सारी चीजें अपने पास नोट कर लें या कहीं पर लिख लें या सामने रख लें ताकि आपको आसानी हो सके। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा, इस सेकंड पार्ट ये हमने कर लिया, मैंने आपको इसकी इक्वेशन भी बनाकर दिखा दी। अब इक्वेशन की मदद से ग्राफ बनता है, वो अब हम चलेंगे अपने ग्राफ पेपर के ऊपर और वहां पर इसका थर्ड पार्ट को करेंगे। तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है, और नीचे आप देख सकते हैं ये वही टेबल बना हुआ है जो अभी हमने पिछले पार्ट्स में सॉर्ट आउट किया है, और ये इक्वेशन भी वही लिखी हुई है जो मैंने आपको भी पिछले पार्ट्स में समझाई है। पहले हम इस जो है स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, इसी की मदद से हमने ग्राफ बनाना है और फिर हम बाकी चीज़ों पर भी आएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, यानी ग्राफ पेपर के ऊपर, यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 किलोग्राम ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब आगे आपको स्केल बताया जा रहा है, सबसे पहले आपको स्केल बताया जा रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, यानी एक्स एक्सिस का, कि आपने एक्स एक्सिस के ऊपर कितने गैप के बाद मार्किंग करनी है। तो आपको लिखा हुआ है यहां पर कि आपने 2 सेंटीमीटर का गैप देना है, और 2 सेंटीमीटर का गैप रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1 किलोग्राम को, यानी आप पहले 2 सेंटीमीटर का गैप देंगे रूलर की मदद से और 1 किलोग्राम काउंट करेंगे, फिर उससे आगे दोबारा से 2 सेंटीमीटर का गैप देंगे और नेक्स्ट 1 किलोग्राम यानी 2 किलोग्राम लिख देंगे, और फिर इस तरह 2 सेंटीमीटर का गैप दे देकर आप 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह किलोग्राम्स मेंशन कर रहे होंगे, कहां पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर। और यहां से यह बात भी क्लियर होगी कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपने वेट को मेंशन करना है। आगे लिखा हुआ है एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट $1 ऑन द वर्टिकल एक्सिस। अब आगे आपको वाई एक्सिस पे जो स्केल आपने सेट करना है वो बताया जा रहा है कि वाई एक्सिस के ऊपर, जिसको वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, आपने 1 सेंटीमीटर का गैप देना है, यानी हर 1 सेंटीमीटर के बाद आपने $1 काउंट करना है। पहला 1 सेंटीमीटर का गैप देंगे, $1 लिख देंगे, फिर दोबारा उससे आगे दोबारा से 1 सेंटीमीटर का गैप देंगे तो नेक्स्ट $1 यानी $2 लिख देंगे, और इस तरह हर सेंटीमीटर के बाद 3, 4, 5, 6 आपने डॉलर्स की फॉर्म में वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मेंशन करते जाना है, और इस तरीके से आपका स्केल हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई एक्सिस पे वर्क कर रहा होगा। आगे लिखा हुआ है प्लॉट द पेयर ऑफ वैल्यूज, और फिर आपने इन पेयर ऑफ वैल्यूज को जो है प्लॉट करना है। जाहिर बात है आप जानते हैं जब भी हम एक्स और वाई को मिलाते हैं तो हमारा एक पॉइंट बनता है, ये जो यहां पे एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है इसका मतलब पॉइंट, यानी आपने इन पॉइंट्स को जो है प्लॉट करके दिखाना है। तो देखिए मैं इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख चुका हूं कि अगर ए हमारे पास एक पॉइंट है, ये मैंने खुद से नेम किया हुआ है, इसको आप कोई भी नेम रख सकते हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0.5, तो देखिए मैंने यहां पे 0.5 लिखा हुआ है। वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो देखिए वाई की जगह पर 4 लिखा हुआ है। इस वाले नेक्स्ट कॉलम में जो वैल्यूज हैं इसको मैंने बी पॉइंट के साथ यहां पे मेंशन किया है कि बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 11। सी पॉइंट में आप देखें एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 9, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 21। तो मैंने खुद से इन पॉइंट्स को नेम कर दिया, आप कोई भी नेम कर सकते हैं। बेसिकली अब आपने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, इन्हीं को ज्वाइन करेंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा, और जो स्केल आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर रखना है वो यहां पर आपको बता दिया गया है। तो आइए अब ग्राफ बनाते हैं।
तो ग्राफ बनाने से पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास यहाँ पर x की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, y की भी तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, आपको कोई नेगेटिव वैल्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैं नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस ड्रॉ नहीं करूँगा। आप कर भी लें तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं करूँगा। और आप देखें x की मैक्सिमम वैल्यू 9 है और y की मैक्सिमम वैल्यू 21 है, तो आपको y एक्सिस को इस तरीके से ड्रॉ करना है कि उस पर यहाँ तक वैल्यू आ जाए और x को इस तरीके से ड्रॉ करना है कि यहाँ तक वैल्यू आ जाए। वैसे जो लाइंस बनती हैं उसमें अगर आपके पास कोई दो वैल्यूज भी आपको मिल जाएं उससे भी आपका ग्राफ, आपकी लाइन बन जाती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इन वैल्यूज़ को हम देख रहे हैं, इनको प्लॉट करने को कहा गया, तो इसलिए इन्हीं के मुताबिक सारी चीज़ें रख रहे हैं। तो आइए अब इसका ग्राफ बनाते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फिर वर्टिकल एक्सिस और उसके बाद इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो आप देखें मैं यहाँ पर कैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो बनाने लगा हूँ, ठीक है। तो आप देखें मैंने रूलर कहाँ पे रखा हुआ है, रूलर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, अगर आपका रूलर स्ट्रेट होगा तो ही आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर आप बना पाएंगे। तो मैंने ये रूलर रख लिया है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब आप देखें मैंने अपना ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है यहाँ तक बना दिया, ठीक है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दिया। अब मैंने वर्टिकल एक्सिस बनाना है, तो यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस भी बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अपने रूलर को आप देखें किस तरीके से रख रहा हूँ, ये आपने देख लेना है, यहाँ पर मैंने अपने रूलर को रखा हुआ है। रूलर जितना स्ट्रेट होगा उतना ही आपका ग्राफ साफ सुथरा दिखेगा, तो आपने रूलर को पोजीशन अच्छे से कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पे भी एक लाइन लगा देता हूँ, ये मैंने देखें एक वर्टिकल एक्सिस यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब ये देखिए ये मेरा वर्टिकल एक्सिस हो गया। आप इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी अगर मैं रूलर से यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता, ये आप देखिएगा, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि अगर आप इस रूलर से थोड़ा सा इस लाइन को एक्सटेंड भी कर लेते तो भी कोई इशू नहीं था। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस बनता है और ये नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सिस बनता है। इनकी मुझे ना वैल्यूज़ गिवन है ना मुझे चाहिए, इसलिए मैं इनको नहीं बना रहा। तो मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ पर लिखा है, बनाया है, ड्रॉ किया है, और यहाँ पर भी सिर्फ वर्टिकल वाई एक्सिस ही ड्रॉ किया है। अब ये क्योंकि आपके पास एक्स एक्सिस है तो आप यहाँ पर लिख लें कि ये आपका है बेसिकली एक्स एक्सिस, और एक्स आपका मतलब है, एक्स का मतलब है वेट और वो किलोग्राम्स में है, तो इसलिए इसके आगे ब्रैकेट्स में लिख दें इन केजी, ताकि आपको याद रहे कि आपकी जो भी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वैल्यूज आ रही हैं वो वेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं और वो किस में है, किलोग्राम्स में है। इसी तरीके से वाई एक्सिस के साथ भी हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल अमाउंट को जो कि डॉलर्स में है, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप लिखेंगे वाई इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो देखिए मैंने आगे ब्रैकेट्स में वाई इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स लिख दिया है। अब यहाँ तक हो गया, जहाँ पे ये एक्स और एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं वो आपका ओरिजिन होता है, या आपका एक तरह कह लें इसको आप जीरो मार्क कर सकते हैं। अब आपने अपने स्केल की मदद से जो उन्होंने बताया हुआ था यहां पर मार्किंग करनी है, और मैं आपको समझा चुका हूं, उन्होंने बताया हुआ था कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपने 2 सेंटीमीटर का गैप देना है और कितने काउंट करने हैं, 1 किलोग्राम काउंट करने हैं, फिर दोबारा 2 सेंटीमीटर का गैप देना है, नेक्स्ट 1 किलोग्राम यानी 2 किलोग्राम, फिर 3 किलोग्राम, फिर 4, इस तरह 2 सेंटीमीटर का गैप देकर आपने यहां पर मार्किंग करनी है। तो आपके पास रूलर है, पहले आप देख लें कि 2 सेंटीमीटर बनता कितना है, आपको अंदाजा हो जाएगा खुद ब खुद ही। तो देखिए मैंने अपने रूलर का जो जीरो है बिल्कुल यहां पे जो पहले से एक जीरो लिखा हुआ है उस पे रखा है, और यहां पर अगर आप देखें मैं बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है अपने रूलर को, तो आप यहां पर नोटिस कर रहे होंगे कि यहां से जीरो से लेके यहां तक मेरे 2 सेंटीमीटर कंप्लीट होते हैं। तो इस 2 के एग्जैक्टली ऊपर मैं थोड़ा सा और बेहतर रख लेता हूं रूलर को ताकि चीजें गलत ना हो। तो अब आप देखें 0 से लेकर 2 तक, यहां तक मेरे 2 सेंटीमीटर कवर हो जाते हैं जहां पर मैंने ये मार्क कर दिया। अब इसी तरीके से मैं आगे देखें 2 से लेकर यहां तक 4, यानी 2 + 2 = 4 होता है, तो इसलिए अगले 2 सेंटीमीटर यहां पे कवर हो जाते हैं। उसके बाद 4 से लेकर 4 में +2 करेंगे तो 6 बनेगा, तो यहां पर 6 सेंटीमीटर पे मेरे नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर कवर हो जाते हैं। ये मैं 2 सेंटीमीटर का गैप यहां पर जो है मार्क कर रहा हूं। 6 के बाद ये 6 सेंटीमीटर थे, 6 में 2 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो 8 सेंटीमीटर बनता है, तो यहां पर करके मेरा नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गए। 8 में 2 करें तो 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर करके मेरे नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गए। 10 में 2 ऐड करें तो मेरे पास कितने बनेंगे, वो बनेंगे 12 सेंटीमीटर, तो यहां पर मेरे नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर कंप्लीट। 12 में 2 ऐड करें तो 14, तो यहां पे करके मेरे बनेंगे नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर, यानी ये 14 सेंटीमीटर हो गए। इसी तरीके से आप करते जाएं तो आप देखें 14 में 2 ऐड करें तो यहां पर मेरे ये आप कह लें 16 सेंटीमीटर पे नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर कवर हो गए, और 16 में 2 ऐड करें तो यहां पर करके आपके पास नेक्स्ट हो जाएंगे। इसको भी मैं मार्क करूंगा एंड पर अगर मुझे जरूरत पड़ी। तो आप देखें हर 2 सेंटीमीटर को आपने एज अ 1 किलोग्राम काउंट करना था, यानी ये पहले 2 सेंटीमीटर के में आप लिखेंगे इधर नीचे 1 किलोग्राम, अब फिर दोबारा 2 सेंटीमीटर का गैप है तो 1 किलोग्राम + 1 किलोग्राम हो जाएगा 2 किलोग्राम, तो ये मैंने लिख दिया 2 किलोग्राम। अब फिर दोबारा 2 सेंटीमीटर का गैप है तो 2 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 3 किलोग्राम, क्योंकि हर 2 सेंटीमीटर के बाद आपने 1 किलोग्राम काउंट करना है। तो 1, 2, 3, अब आपको समझ आ गया होगा ये क्या होगा 4, ये क्या होगा
फाइव, ये क्या होगा आपके पास सिक्स, यहाँ पे आपके पास क्या होगा ये होगा सेवन, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा एट, और एक आपको वैल्यू और चाहिए, वो आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो गया है कि ये पूरे दो बॉक्स छोड़ते हैं तो 2 सेंटीमीटर पूरे होते हैं। आप देखिए यहाँ पे भी देखें, आपने अगर दो बॉक्स छोड़े, इस तरह बड़े वाले बॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो 2 सेंटीमीटर पूरे होते हैं। नेक्स्ट टू बॉक्स छोड़े फिर 2 सेंटीमीटर पूरे हुए, फिर नेक्स्ट टू बॉक्स छोड़े नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर पूरे हुए। तो इस तरह एट से आगे भी अगर आप रूलर के बगैर देखना चाहें तो नेक्स्ट टू बॉक्स छोड़ें तो यहाँ पर करके आपके ये नेक्स्ट जो है 2 सेंटीमीटर पूरे होते हैं, और 8 किलोग्राम के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं 9 किलोग्राम। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमने जो है इस सारे को मार्क कर लिया, और ये जो स्केल हमें बताया गया था उसके मुताबिक ही किया है कि आपने एक्स एक्सिस के ऊपर 2 सेंटीमीटर का गैप डालना है और हर 2 सेंटीमीटर के बाद 1 किलोग्राम काउंट करना है। यहाँ पे 1 किया, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, इस तरह सारों को लिखता गया। अब है वाई एक्सिस के ऊपर आपने मार्किंग्स लिखनी है। अब वाई एक्सिस पे उन्होंने कहा था कि आपने 1 सेंटीमीटर का गैप डालना है और $1 काउंट करना है, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर आप जो चीज़ें लिख रहे हैं वो डॉलर्स में होंगी। अब आप अपना रूलर भी रख सकते हैं, उसके बाद आपको अंदाजा ही हो जाएगा। जैसे आप अभी देखिए, मैंने रूलर रखा है अपना, तो यहाँ पे 0 से लेकर इस मेरे रूलर के 0 से लेकर जो नीचे 0 लिखा हुआ है इधर तक, ये पूरा देखें 1 सेंटीमीटर बन रहा है। आप किसी भी तरीके से रूलर को रख सकते हैं, इस तरह भी रख सकते हैं, तो भी आपको अंदाजा हो जाएगा। देखें 0 के ऊपर 0 आ रहा है, 0 से यहाँ तक ये 1 बन रहा है, यानी इससे पता चल रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर जो है वो कंप्लीट हो जाता है जहाँ पर मैंने मार्क किया। और ये पूरा एक बॉक्स है, ये पूरा एक बॉक्स है, जिसका मतलब ये पूरा एक बॉक्स जो है वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे आपको रूलर की ज़रूरत नहीं, आप खुद से मार्क कर सकते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इस तरह मार्क करते जाएं। देखिए ये हर 1 सेंटीमीटर के बाद ऑटोमेटिकली जो है मैं मार्किंग जो है वो कर रहा हूँ, हर 1 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पर, ये एक अगला बॉक्स यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरीके से। ये आप देखिए, मैं हर एक बड़े बॉक्स को छोड़ के ऑटोमेटिकली लिख रहा हूँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या है 1 सेंटीमीटर का। आप रूलर रख के भी देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 1 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी लिखना शुरू करता हूँ, हर 1 सेंटीमीटर के बाद $1 काउंट करना है, तो ये आपका होगा फर्स्ट डॉलर यानी $1, इसके बाद फिर दोबारा $1 और काउंट करें, 1+1 कितने हो जाएंगे $2, इस तरह लिखते जाएँ ये हो जाएगा $3, उसके बाद लिखते जाएँ ये हो जाएगा 4, इस तरह ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8, ये आप देखिए ये सारे मैं लिखता जा रहा हूँ, यहाँ पे आप लिखेंगे 9, फिर आएगा आपके पास 10, यहाँ पर 11, ये 12, यहाँ पर आएगा $13, इसके बाद यहाँ पर आपके पास आएगा नेक्स्ट वाला, यहाँ पर ये आएगा $14, फिर 15, यहाँ पर आपके पास आएगा 16, यहाँ पर 17 और यहाँ पर 18। तो देखें $18 तक तो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर, अभी आगे भी मुझे वैल्यूज चाहिए, तो मेरे नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर यहाँ पे पूरा होना है, तो ये हो जाएगा $19, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा आगे ये हो जाएगा $20, और लास्ट वाला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हो जाएगा $21, और यहाँ पे मेरा ये वर्टिकल एक्सिस मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसका एरो हेड लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1-1 सेंटीमीटर छोड़कर लिखा है, यहाँ पर मैंने 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के ये मार्किंग की है, तो यहाँ तक तो मैंने चीज़ें कर ली। अब मेरे पास पॉइंट कौन से थे, तो मैं अगर आपको पॉइंट दिखाऊँ तो मेरे पास जो पॉइंट हैं बेसिकली वो हैं ये वाले, ठीक है, आप ये वाला पॉइंट देखें। पहला पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0.5 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है, पहले आपने ये पॉइंट प्लॉट करना है ए वाला, एक्स कोऑर्डिनेट 0.5 और वाई कोऑर्डिनेट 4। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेगा ना, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि एक्स एक्सिस के ऊपर, तो देखें ये आपका है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके पास एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में 0 और 1 के दरमियान ही कि 0.5 होगा ना, तो अगर आप देखें 0 और 1 के दरमियान ये दो बड़े बॉक्स आ रहे हैं, तो इन दोनों बॉक्स का जो मिड देखेंगे ना वो यहाँ पे बनता है, और यही आपका क्या है 0.5। ये आप अपने फेयर गैस से भी आसानी से ढूंढ सकते हैं कि ये 0.5 किलोग्राम बनेगा। तो एक्स 0.5 चाहिए और वाई कितना चाहिए 4, तो वाई आपको मिलेगा वाई एक्सिस के ऊपर, ये है 4, यानी आपका एग्जैक्ट पॉइंट क्या होगा 0.5 से ऊपर और 4 के एग्जैक्टली सामने। आप ये रूलर रख के भी देख सकते हैं यहाँ पर, जिस तरह मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कि आप देखें 0.5 से एग्जैक्टली ऊपर और 4 के सामने। तो ये आप यहाँ पे अगर मार्क लगाएंगे तो ये आपका ए पॉइंट होगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0.5 और वाई कोऑर्डिनेट होगा 4। ये देखिए मैंने ए पॉइंट को प्लॉट कर दिया। अब मेरे पास बी पॉइंट क्या था, तो बी पॉइंट मेरा मैं आपको दोबारा से यहाँ पर दिखाता हूँ, बी पॉइंट मेरे पास क्या था, तो बी पॉइंट था मेरे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 4 था और वाई कोऑर्डिनेट 11 था। तो आप पहले एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेगा, वो है यहाँ पर 4, और वाई क्या था 11, 11 कहाँ पर है, 11 है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल टॉप पर ये लिखा हुआ है, यानी आपने 4 से ऊपर जाना है
और 11 के बिल्कुल सामने आना है। तो आप यहाँ पे रूलर की मदद से भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास गलती ना हो। आप 4 से एग्जैक्टली ऊपर जाएंगे, तो देखिए 4 से एग्जैक्टली ऊपर, ये 4 से एग्जैक्टली ऊपर और 11 के सामने, ये बनता है बिल्कुल 11 के सामने। आप देख सकते हैं ये वाली जगह 11 के सामने, यानी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये एग्जैक्टली आपके पास बी पॉइंट बनेगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 11। ठीक है, तो ये मैंने बी पॉइंट को भी मार्क कर दिया। अब मैं अपने लास्ट पॉइंट यानी सी पॉइंट की तरफ जाता हूँ। तो ये मैंने कुछ बहुत पीछे लिख दिया गलती से, तो सी पॉइंट है मेरे पास, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 9 है और वाई कोऑर्डिनेट 21 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 9 तो यहाँ पर है बिल्कुल एंड पर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और 21 कहाँ पे होगा, x 9 पे है, तो 21 तो बिल्कुल टॉप पर, ये है 21 सबसे आखिरी वैल्यू। तो 9 से ऊपर जाना है आपने, ये मैं इसके आपके पास यहाँ पे रूलर रख के दिखा रहा हूँ, आपने 9 से क्या जाना है एग्जैक्टली ऊपर। तो ये आप देखिए 9 से आप जाएंगे एग्जैक्टली ऊपर, रूलर रख लें, कहाँ तक जाएंगे, बिल्कुल 21 के सामने। तो देखिए ये आपके पास बनता है 21 के एग्जैक्टली सामने, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये 21 है और ये उसके एग्जैक्टली सामने बन रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली लगा दूंगा कि ये मेरा पॉइंट बनेगा पॉइंट नंबर सी, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 9 है और वाई कोऑर्डिनेट 21 है। अब आप इन सबको ज्वाइन कर दें तो आपका जो ये ग्राफ है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इनको ज्वाइन करके दिखाता हूँ आपको। तो अब आप देखें मैं इन तीनों को ज्वाइन करने लगा हूँ। अब आपने इनको इस तरीके से ज्वाइन करना है कि ये जो आपकी लाइन है ये इन तीनों पॉइंट में से गुजर रही हो। तो आपने पहले रूलर सेट कर लेना है ताकि ऐसा ना हो कि आपकी जो लाइन है वो गलत बन जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है। तो मैं फिर भी पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास लेड पेंसिल होंगी जिसको आप शार्प वगैरह कर सकते हैं तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। तो देखिए मैं ड्रॉ करने लगा हूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इनको ड्रॉ किया और इसको मैं आगे तक लेके आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे तक, यहाँ ए पॉइंट से आगे तक बना लिया। मैं रूलर हटा लगाऊँ तो आप देख सकते हैं ये मेरी जो है वो लाइन बन चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है ना इनको वो कर लेना है। ठीक है, ये आपका जो है ग्राफ बन गया, यही लाइन हमें रिक्वायर्ड थी। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट फिनिश हुआ, हमने इसका ये। अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 4 का जो स्टेटमेंट है वो भी लिखी हुई नजर आ रही है और लेफ्ट साइड पर जो अभी भी हमने ग्राफ बनाया है वो भी उसका इमेज भी बना हुआ नजर आ रहा है। तो पहले हम स्टेटमेंट को रीड करें। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी आपको कहा जा रहा है ये जो आपने ग्राफ बनाया है जिसमें आपको ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ के तौर पर मिली है, आपने इसी लाइन की इक्वेशन को लिखकर दिखाना है। अब मैं आपको समझा चुका हूं कि जब भी आपके पास ग्राफ के तौर पर इस तरह की लाइन मौजूद हो आप कैसे इसकी इक्वेशन को लिख सकते हैं। उसके लिए आपको पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को जानना होगा, वो मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां पे दोबारा लिख देता हूं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो जो मैं अभी नीचे लिखने जा रहा हूं, तो आप बोलेंगे कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है। और वो क्या होती है, वो होती है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो जिसमें y सेपरेट हो, इधर x सेपरेट हो, उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, तो आप कहेंगे कि वो बेसिकली एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी गई है। और ऐसी इक्वेशंस हमेशा लाइन की इक्वेशंस होती हैं। और उसमें याद रखिएगा जो वेरिएबल्स हैं y और x, इनके ऊपर जो पार है वो 1 होनी चाहिए। कोई पार मौजूद ना होने का मतलब यही है कि इनके ऊपर पार 1 है। अब ये फॉर्म इसलिए जरूरी है कि इसमें जो x के साथ कोफिशिएंट लिखा होता है m, ये बेसिकली होता है आपका ग्रेडियंट, यानी ये आपका ग्रेडियंट होता है लाइन का। और ये जो सी लिखा होता है इसको हम बोल रहे होते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो अगर आपको किसी भी लाइन का वाई इंटरसेप्ट पता चल जाए और उसकी ग्रेडियंट पता चल जाए तो आप सी और एम की वैल्यूज यहां पर पुट करके उस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। तो अब हमारे पास जो ये लाइन है हमें इसकी पहले ग्रेडियंट चाहिए, और ग्रेडियंट के लिए आप जानते हैं हमें दो पॉइंट्स पहले सिलेक्ट करना होंगे। तो वो यहां पर आप कोई से भी दो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर ले सकते हैं। ऐसे पॉइंट चूज करिएगा जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको अच्छे से मालूम हो। जैसे आप देखें यहां पर पहले से एक बी पॉइंट है जो कि मैंने खुद से यहां पर मार्क किया हुआ 4,11। एक मैं ये चूज कर लेता हूं और एक ये बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट जिसको नाम हमने सी दिया था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 9,21, ये मैं चूज कर लेता हूं। अब आपको ग्रेडियंट का फॉर्मूला आता है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है राइज ओवर रन। हम ऊपर लिखते हैं राइज जिसको वर्टिकल चेंज भी बोलते हैं, और उसको डिवाइड करते हैं हमेशा रन पे जिसको हम हॉरिजॉन्टल चेंज भी बोलते हैं। राइज का मतलब क्या होता है, वर्टिकल चेंज, यहां पे मैं लिख रहा हूं इससे पहले भी बता चुका हूं। और रन का मतलब क्या होता है, रन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल चेंज, तो यहां पे मैं लिखूंगा हॉरिजॉन्टल चेंज। तो अब आपने जो दो पॉइंट सेलेक्ट किए हैं आपने उन्हीं से राइज और रन निकालना है। तो आप करेंगे क्या, आप बी पॉइंट से स्टार्ट लें, आप एक पॉइंट से स्टार्ट लेंगे और दूसरी पॉइंट तक पहुंचेंगे, तो इस पूरी जर्नी में जो वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज आएगा वही आप यहां पर मेंशन करेंगे। जैसे अगर आप देखें आप बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने चाहते हैं तो पहले आपको बी पॉइंट से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप देखें मैं डॉटेड लाइन से यहां पे शो कर रहा हूं कि आप बी पॉइंट से कुछ यूनिट्स ऊपर मूव करेंगे। कब तक मूव करते रहेंगे, जब तक आप बिल्कुल इस सी के सामने नहीं आ जाते।
ये जो ऊपर या नीचे चेंज आता है इस तरह वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये आपका वर्टिकल चेंज कहलाता है। और ये आपने काउंट कर लेना है। कैसे काउंट करें, आपने कहां से स्टार्ट किया, इस बी पॉइंट से। आप इस बी पॉइंट से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना शुरू करें कि वो आपके वाई एक्सिस पे जाके कहीं ना कहीं टच करे। तो देखिए वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे टच किया उसने, 11, जहां पे मैंने $11 लिखा हुआ है। तो यहां से आपका चेंज आना शुरू हुआ। अब आपने काउंट करना है आप कितने यूनिट्स ऊपर गए। 11 से 12 वन यूनिट्स, 12 से 13 अनदर वन यूनिट्स, यानी 1+1, यहां पे लिखता जाता हूं, वन यूनिट, यानी यहां तक दो यूनिट्स हो गए। 13 से 14 अनदर वन यूनिट, 14 से 15 अनदर वन, 15 से 16 अनदर वन यूनिट, 16 से 17 अनदर वन यूनिट, 17 से 18 अनदर वन, 18 से 19 अनदर वन यूनिट्स, 19 से 20 अनदर वन यूनिट्स, और 20 से 21 अनदर वन यूनिट। तो ये कितनी बार वन लिखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 टाइम्स। यानी बेसिकली आपके पास 10 यूनिट्स हैं। आप इन सब वन को प्लस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से लेके यहां तक का जो गैप है वो 10 यूनिट्स का है। तो ये जो 10 यूनिट्स हैं ये बेसिकली आपका वर्टिकल चेंज है। तो आप यहां पे लिखेंगे ग्रेडियंट आएगा वर्टिकल चेंज, या राइज की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 10 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। अब आपको यहां तक तो आप पहुंच गए, जाहिर बात है आपको कुछ यूनिट्स राइट की तरफ हॉरिजॉन्टली मूव करना पड़ेगा तभी जाकर आप सी पर पहुंच पाएंगे। तो अगर आप यहां डॉटेड लाइन से इस पॉइंट से एक डॉटेड लाइन इस तरह ड्रॉ करना शुरू करें इस पॉइंट तक, तो ये आपका होगा हॉरिजॉन्टल चेंज। और ये आपको एक्स एक्सिस से पता चलेगा, यानी आप यहां से हॉरिजॉन्टल चेंज शुरू हुआ तो आप बिल्कुल इसके नीचे देखें कि एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू आपकी बनती है। तो अगर आप इसको इस तरह डॉटेड लाइन नीचे लेके आते जाएं तो आप देखें 4 किलोग्राम पे आप टच करते हैं। कहां तक गए, सी पॉइंट तक। और सी का तो यहां पे भी लिखा हुआ एक्स कोऑर्डिनेट 9। आप यहां से अगर डॉटेड लाइन नीचे भी बना लेंगे इस पॉइंट से तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कहां तक आए हॉरिजॉन्टली। तो आप आए 9 किलोग्राम तक, यानी 4 से लेकर 9 किलोग्राम का हॉरिजॉन्टल चेंज आ रहा है। तो 4 से 5 कितना गैप है, 1 यूनिट का। 5 से 6 किलोग्राम कितना गैप है, 1 यूनिट का। 6 से 7 कितना गैप है, 1 यूनिट का। 7 से 8 1 यूनिट का। 8 से 1 9 यूनिट का। तो कितने वन है, 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5। तो 5 times 1 लिखा हुआ है, सबको प्लस करेंगे तो टोटल गैप कितना बना, 5 यूनिट्स का। ठीक है, 5 यूनिट्स का। तो जितना ये है उतना यहाँ पे भी होगा, 5 यूनिट्स। और यहाँ पे हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना करेगा, यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हुआ करेगा। तो आपका हॉरिजॉन्टल चेंज कितना आया, वो आया 5 यूनिट्स का। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपकी लाइन लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में होती है तो आपकी ग्रेडियंट पॉजिटिव होती है। आप यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे, ना भी लगाएं तो ठीक है क्योंकि पहली प्लस है। और अगर ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन होती तो इसकी ग्रेडियंट नेगेटिव होती, तो आप यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाते हैं। इसको स्लोप भी बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो ये तो पॉजिटिव ही है क्योंकि लेफ्ट टू राइट आप अपवर्ड जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी ग्रेडियंट पॉजिटिव ही आएगी। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लें, 5 1 टाइम्स 5 2 टाइम्स, तो एम कितना आ गया, 2। यानी आपको ग्रेडियंट पता चल गया, 2। अब इस लाइन का y इंटरसेप्ट ढूंढना है जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब बस ये होता है कि आप देखें आपकी लाइन ने y एक्सिस को कहां पे टच किया। तो आपकी अगर आप लाइन देखें इस तरीके से ये आई है और इसने y एक्सिस को इस पॉइंट पे टच किया, तो ये पॉइंट कौन सा था, यहां पे लिखा हुआ $3, यानी y एक्सिस को इसने 3 पे टच किया। तो आपका y इंटरसेप्ट क्या हो गया, जिसको c से लिखेंगे वो हो गया जस्ट 3। अब ये दोनों वैल्यूज m की और c की इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को लिखूंगा जो कि होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। y वैसे का वैसे ही रहेगा, m की जगह पे ग्रेडियंट जो कि 2 आपने फाइंड आउट की हुई है, x वैसे का वैसे ही, c की जगह पे आपका y इंटरसेप्ट जो कि 3 है। तो देखें आपने इक्वेशन निकाल ली अपनी स्ट्रेट लाइन की और वो कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 2x + 3। ये वही इक्वेशन आई है जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। तो यहां पर हमारा ये पार्ट नंबर 4 भी हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो अब हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 में यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ मच विल अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पैकेज दैट वेज। अब अगेन आपसे ये पूछा जा रहा है पार्ट नंबर आप कह लें 1 और 2 की तरह, कि कितना कस्टमर को अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर जो पैकेज उसने रिटेलर से खरीदा है उसका ए पार्ट में वेट 7.5 किलोग्राम हो और बी पार्ट के लिहाज से अगर उसका वेट 18.5 किलोग्राम हो। तो देखिये जब आपको इक्वेशन पता होती है ना, तो इक्वेशन की मदद से आप अपनी गिवन वैल्यूज के मुताबिक उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब यहां पर अगर आपको अमाउंट चाहिए ना, तो हमें इक्वेशन पता चल चुकी है जो कि अमाउंट को और वेट को आपस में कनेक्ट कर रही है, और वो मैंने अभी आपको पार्ट नंबर 4 में बताई है, हमने इस ग्राफ से निकाली भी है। वो है y equals to 2x + 3, जिसमें x जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेट को, जितना वेट होगा वो हम यहां पर पुट करेंगे, और y रिप्रेजेंट करता है अमाउंट को। तो अगर आपको वेट और अमाउंट में से कोई एक वैल्यू भी बताई जाएगी तो दूसरी वैल्यू आप ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। तो पार्ट नंबर 5 में आपको ए पार्ट में कहा गया है कि अगर वेट कितना हो 7.5 kg, मैं यहां पे लिख दूं अगर ए पार्ट के मुताबिक वेट कितना हो 7.5 kg, तो यहां पे मैं अगर इसको लिख लूं प्रॉपरली 7.5 kg। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर उसके पैकेज का वेट 7.5 किलोग्राम है तो कितनी अमाउंट, यानी कितनी वाई की वैल्यू आएगी।
तो आप जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन में y की वैल्यू तो अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है वैसे रहने दीजिएगा, 2 वैसे का वैसे, x की जगह पे आ जाएगा 7.5, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी इसकी वैल्यू, और प्लस 3 भी वैसे का वैसे ही। अब आप यहाँ पर डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो डेसिमल को आप रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 75, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस 3 वैसे का वैसे ही। ये आपको पता कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स 10 होता है, और ये जो आपके पास ऊपर 75 लिखा है ये भी 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, आप इसको रफ में इस तरह डिवाइड भी करके देख सकते हैं, 5 1 टाइम्स 5 7 माइनस 5 2, यहाँ पर 5 नीचे उतारने, और 5 5 टाइम्स 25, तो 25 माइनस 25 0, यानी 5 15 टाइम्स 75 होता है, तो 5 1 टाइम्स 5 15 टाइम्स, तो ऊपर बच गया 15, क्योंकि और तो 1 1 है इनको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 15 और यहाँ पे बच गया प्लस और आगे बच गया 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 प्लस 3 वो कितनी होगी, वो होगी 18, और ये y अमाउंट है तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर होगी, तो ये एक तरह के $18 आपको y की वैल्यू पता चल गई। ये आपने इसका फिफ्थ का ए पार्ट कर लिया। अब इसी तरीके से आपने बी पार्ट करना है, तो बी पार्ट में आपको वेट बताया गया 18.5 किलोग्राम, तो आपने इसी इक्वेशन में ये इक्वेशन दोबारा से लिखूंगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, अब बस आपको x की वैल्यू उन्होंने बता दी है 18.5, तो आप x की जगह पर 18.5 पुट कर देंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 वैसे का वैसे, x की जगह पे अब आपके पास क्या आ जाएगा 18.5, और आगे प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 3। अब जस्ट इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर से, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, ऊपर आपको सारी चीजें ऐसे करके दिखा दी हैं। आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18.5 से, इस तरह कैलकुलेटर में लिखेंगे और प्लस कर देंगे इसमें 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40, तो यहाँ पे आ गया 40, 40 का मतलब $40, याद रखिएगा ये y का, y जो आपको अमाउंट दे रही है ये अमाउंट बता रही है, तो ये डॉलर्स में होगी, तो ये आपके बी पार्ट का भी आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने सारे पार्ट करने थे, तो उम्मीद है आपको ये तमाम चीजें समझ आई होंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।